बीजेपी सांसद मनोज तिवारी छतरपुर के खजुराहो पहुंचे और खजुराहो में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी छतरपुर के खजुराहो पहुंचे, जहां वे खजुराहो में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए और कहा कि लिटरेचर फेस्टिवल ज्ञान अर्जित करने का सुनहरा अवसर है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के विस्तार को बल मिलता है। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत तो पहले से ही मूलतः हिंदू राष्ट्र ही है। हमारी संस्कृति पूरब से पश्चिम तक एक है, केवल भाषा ही भिन्न है। ये बहुत लोगों का मत हो सकता है, इसे तूल देने की आवश्यकता नहीं है। हम संविधान का पालन करते हैं। बागेश्वर बालाजी का धाम बहुत प्रसिद्ध पौराणिक स्थान है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़ी संख्या में लोगों को सत्य सनातन से जोड़ रहे हैं। हनुमान जी की कृपा है, इसका सम्मान होना चाहिए। लिटरेचर फेस्टिवल को उन लोगों को जरूर भाग लेना चाहिए जो लोग ज्ञान की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी खजुराहो लिटरेचर फेस्टिवल में जिस स्तर के स्पीकर आए हैं, उनको सुनना अपने आप में एक अच्छा अनुभव भी है और अपने ज्ञान के टेस्ट का भी एक पैमाना है। तो मैं जिज्ञासु हूँ, मुझे हर बात के तह में जाने का जिज्ञासा रहती है और उसका निदान खजुराहो लिटरेचर फेस्टिवल में है। इनके सभी आयोजकों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।